For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. बीटाउन के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और इंडिया की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय को स्क्रीन पे शेयर करते देखना आखिर किसकी दिली ख्वाहिश नहीं है। आज भी फैंस इन दोनों को एक साथ पर्दे पर देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इन दोनों के एक साथ काम ना करने की वजह आखिर क्या है, चलिए बताते हैं। पहली बार ऐश और आमिर एक एड शूट पर मिले थे। ये एडवर्टीजमेंट थी कोको कोला की, जो लोगों को बेहद पसंद आई। इसके बाद इन दोनों को एक और एड शूट के लिए साइन किया गया, पर इस बार इस एड में एक और सेलिब्रिटी भी मौजूद थी, परदेश गर्ल महिमा चौधरी। बता दें, इस एड शूट के दौरान आमिर ऐश को सेट्स पर खूब चढ़ाते थे, जो कि ऐश को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐश्वर्या ने ये बात आमिर के साथ डिस्कस भी की, लेकिन बीइंग अ फन लविंग पर्सन आमिर ने इस बात को मजाक मजाक में ही उड़ा दिया। इसके बाद ईयर 1996 में ऐश को आमिर के ऑपोजिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए अप्रोच किया गया, पर ऐश ने इस ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें एक बार फिर पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुनिया भर से एडवर्टीजमेंट्स और फिल्म्स के ऑफर ऐश के दरवाजे पर खटखटा रहे थे, और इसी दौरान ऐश की जिंदगी में सलमान खान की भी एंट्री हुई। ऐश और सलमान का रिश्ता अच्छा चल ही रहा था, जब ऐश्वर्या को एक ब्रांड प्रमोशन के लिए आमिर के साथ वर्ल्ड टूर पर जाना पड़ा, और ये दोनों इस टूर के दौरान बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन गए। आमिर और ऐश में इस कदर दोस्ती हुई कि आमिर के रिक्वेस्ट पर ऐश ने फिल्म मेला में एक केमियो तक के लिए राजी हो गई। इसके कुछ सालों बाद जब आमिर ने ऐश को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मंगल पांडे में काम करने के लिए अप्रोच किया, तब ऐश ने शुरुआती दौर में हाँ जरूर कहा, लेकिन बाद में इस ऑफर को ठुकरा दिया। और बाद में ये किरदार आमिर की अच्छी दोस्त और बी टाउन की रानी रानी मुखर्जी ने निभाया, और इसी के बाद से आमिर और ऐश में बातचीत तक बंद हो गई। बताते चले, एक बार फिर ये दोनों सालों बाद अक्षय कुमार की 10th एनिवर्सरी पर ऐसे मिले जैसे आज भी इन दोनों की दोस्ती कायम हो। लेकिन शायद ये मुलाकात भी इन दोनों के बीच के मन मुटाव को मिटा नहीं पाई। और तभी तो जब कुछ समय पहले करण जौहर ने इन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साइन करना चाहा, तब आमिर ने ऐश को रिजेक्ट कर दिया।